नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मोदी जी कल एमपी आ रहे हैं। यह हम सबका सौभाग्य है कि वह कल संत रविदास जी के मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, चाहे भगवान श्री राम हो या बाबा महाकाल के मंदिर की बात हो, और अब श्री संत रविदास की मंदिर का भूमि पूजन। रतलाम की घटना पर बोले गृह मंत्री, ये राजस्थान नहीं है, ना ही यहां कांग्रेस की सरकार है। ऐसे लोगों को 24 घंटे में पता चल जाएगा, एफआईआर हो चुकी है, एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। धर्म स्वतंत्र विधायक के तहत पहली बार आरोपी पर सजा होने पर यह पहली सजा है, इससे सभी को सीख लेनी चाहिए। कमलनाथ के महाकाल की सवारी में शामिल होने पर बोले मिश्रा, अब क्यों, इससे पहले क्यों नहीं, इसका जवाब नहीं दे रहे, अब क्यों, अब क्योंकि कांग्रेस पर संकट है इसलिए महाकाल की शरण में जा रही है, कांग्रेस पॉलिटिकल नौटंकी करती है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। लोकप्रिय नेता, भारत के गौरव, जननायक, श्रेय श्रद्धेय मोदी जी कल मध्य प्रदेश की धरा पर पधार रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में 100 करोड़ की लागत से बन रहे पूज्य संत रविदास जी के मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। एक श्रृंखला आप देखें, चाहे वो भगवान श्री राम के मंदिर की बात हो, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर की बात हो, बाबा महाकाल की बात हो, एक लंबी श्रृंखला, और उसी श्रृंखला में संत रविदास जी के मंदिर का भव्य नींव रखने के लिए वो जा रहे हैं। प्रदेश की करोड़ों करोड़ जनता उनकी अवगानी को आतुर है, अभिनंदन को आतुर है, वंदन को आतुर है। एक बात मैं बता दूं कि ये राजस्थान नहीं है और ना कांग्रेस की सरकार है, ये मध्य प्रदेश है, और ऐसे आतंकी नारे लगाने वालों को 24 घंटे में पता चल जाएगा, समझ जाए नहीं क्या क्या जुदा हो जाएगा, उनको समझ नहीं आएगा। एफआईआर दर्ज हो गई है, अपराधी चिन्हित हो गए, जल्दी पुलिस हिरासत में होंगे और यहां से लेके एनएसए तक की कार्रवाई उन पर की जाएगी जिन पर और अपराध। इंदौर के देहात थाने का ये मामला है हाथौद का, और जैसा आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। धर्म स्वातंत्र अधिनियम बनाया, पास्को एक्ट भी है बनाया, लगाया, और आपके सामने ये सजा है। ये सजा में धर्म स्वातंत्र अधिनियम में 5 साल की और अन्य धाराओं में 20 साल की पास्को एक्ट सहित आरोपी मोहम्मद साबिर को माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। एक 16 साल से बच्ची से गलत काम कर ब्लैकमेल करने का ये विषय है, 9 सितंबर 2020 की घटना है। निश्चित रूप से पहली सजा है, पहली सफलता है, और इससे बाकी के लोगों को जो विकृत मानसिकता के लोग हैं उन्हें समझना चाहिए और संभलना भी चाहिए। कमलनाथ सोमवार को महाकाल की सवारी में शामिल होंगे, अभी खासतौर से उन्होंने छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम की कथा कराई। सवाल ये नहीं है कि वो शामिल होंगे, सवाल ये है कि अब क्यों, चुनाव है इसलिए, ये मूल प्रश्न है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा कांग्रेस। भाई महाकाल की सवारी तो आदिकाल से निकल रही है, मेरे पूर्वजों के पहले से निकल रही है, अभी तक क्यों नहीं गए? वो तो मध्य प्रदेश में गए हैं, लंबे समय से सांसद हैं, लंबे समय से केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं गए? अब इसलिए गए कि संकट है इनकी कांग्रेस पर, और कांग्रेस को बचाने के लिए अब जो छद्म धर्मनिरपेक्षता वाली जो है, जो चुनावी हिंदू हैं, जो शोकाल्ड हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में भ्रम, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। गोविंद सिंह कह रहे हैं कि वोट के लिए कथा, चुनाव पे कराएं वो वोट के लिए होंगे, जो आदिकाल से कराते आ रहे हैं उन पे कैसे कह देंगे? कमलनाथ जी से ही जुड़ा सवाल है, कमल
रामनाथ जी ने शायराना अंदाज में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, उनकी हजारों बातों में हर बात की सिवाय उसके जिसकी दरकार थी, मतलब की बात मिनटों में होती है, घंटों में नहीं। कमलनाथ जी जानते हैं वो है कि वो जिस जो आपने पढ़ के सुनाया इसको वो ही नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ट्वीट करने वाला कोई और है। ये उनके नाम से होगा, उनके ट्विटर हैंडल से होगा, जो उनके लोग उनने लगा रखे हैं, वो स्वयं तो बोल ही नहीं सकते, याद करके भी नहीं बोल सकते। वो ये सब ये जो पॉलिटिकल पाखंड कांग्रेस कर रही है, इसको जनता समझती है कि ये अभी क्यों कर रहे हैं चुनाव पे। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।